बिहार दिवस कब मनाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए 20 मार्च, बी 21 मार्च, सी 22 मार्च, डी 25 मार्च। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 22 मार्च। अगला सवाल है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? ऑप्शन ए पटना, बी सारण, सी कोसी या फिर डी मगध। इसका सही जवाब होगा ए पटना। अगला सवाल है, बिहार की राजकीय वृक्ष क्या है? ऑप्शन ए बेल, बी पीपल, सी आम, डी नीम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पीपल। अगला सवाल है, बिहार का राजकीय पुष्प है? ऑप्शन ए कमल, बी गेंदा, सी गुलाब या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गेंदा। अगला सवाल है, बिहार का राजकीय पशु है? ऑप्शन ए गाय, बी बैल, सी भैंस या फिर डी घोड़ा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बैल। अगला सवाल है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? ऑप्शन ए हंस, बी मुर्गी, सी कोयल या फिर डी गोरैया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गोरैया। अगला सवाल है, बिहार का परमंडल है? ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9 या फिर डी 11। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 9। अगला सवाल है, बिहार में कितने जिले हैं? ऑप्शन ए 32, बी 34, सी 36 या फिर डी 38। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 38। अगला सवाल है, बिहार में कितने अनुमंडल हैं? ऑप्शन ए 95, बी 101, सी 105, डी 119। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 101। अगला सवाल है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है? ऑप्शन ए बेगूसराय, बी दरभंगा, सी पटना, डी मधुबनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पटना। अगला सवाल है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? ऑप्शन ए मुंगेर, बी शेखपुरा, सी सीतामढ़ी या फिर डी खगड़िया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शेखपुरा। अगला सवाल है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है? ऑप्शन ए रोहतास, बी नवादा, सी पटना, डी दरभंगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रोहतास। अगला सवाल है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है? ऑप्शन ए गया, बी पूर्णिया, सी समस्तीपुर या फिर डी खगड़िया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पूर्णिया। अगला सवाल है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है? ऑप्शन ए किशनगंज, बी मुजफ्फरपुर, सी सहरसा या फिर डी मधुबनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए किशनगंज जिला। अगला सवाल है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है? ऑप्शन ए अररिया, बी औरंगाबाद, सी भोजपुर या फिर डी बक्सर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी औरंगाबाद। अगला सवाल है, बिहार में सबसे ठंडा जिला है? ऑप्शन ए किशनगंज, बी कैमूर, सी गया या फिर डी मुजफ्फरपुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गया। अगला सवाल है, बिहार में सबसे बड़ा नगर है? ऑप्शन ए भागलपुर, बी दरभंगा, सी मधुबनी या फिर डी पटना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पटना।